अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा, जो बहुत टेस्टी और यूनिक रेसिपी है। इसे ट्राई करिए और इसका कमेंट मुझे दीजिए। इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 800 ग्राम चिकन ली हूँ और इसे विनेगर लगाकर 15 मिनट रख दी थी और इसे 5 से 6 पानी अच्छी तरह से धो ली हूँ। और ये किशमिश है 15 दाने और 1 चम्मच शाहजीरा है, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये अखे गरम मसाले हैं, 2 तेज़पत्ता है, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच दालचीनी का है, 5 अदद हरी इलायची और 2 काली इलायची और 7 से 8 लौंग और 1 फूल है। और ये नमक आप अपने हिसाब से लीजिए, 5 हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच घी बघार के लिए हमें चाहिए, केवड़ा एसेंस कुछ ड्रॉप चाहिए और ये 250 ग्राम दही है। 1/2 कप तेल ली हूँ, आप घी भी ले सकते हो। बादाम और काजू 15 या 12 अदद उसे भिगा दी हूँ गर्म पानी से, फिर उसे पीस कर उसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। ये 5 प्याज को मैंने फ्राई कर ली हूँ। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें हम तेल डाल देंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाए, उसमें हम जो साबित मसाले हैं गरम मसाले वो हम ऐड करेंगे। सारे गरम मसाले हम इसमें डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसे मिक्स करना है। जब इसमें खुशबू आने लगे हल्की हल्की सी, अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे और नमक डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे तब तक का पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये चिकन का कलर मेरा चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। हरी मिर्च है मेरे पास साबित, मैं साबित ही उसे डाल रही हूँ, काटी नहीं हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसे मिक्स करके कवर कर देंगे। कम से कम इसे हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ये दही है, दही में मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च सारा मैंने ऐड कर दी हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब ये चिकन हमारा थोड़े से गल चुके हैं। अब इसमें जो दही का मसाला मैंने तैयार किया था वो इसमें डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से भूनना है। अब इस पर कवर करना है और 5 मिनट के लिए फिर से हमें इसे मीडियम फ्लेम पर रख देना है। ये 5 प्याज ली थी मैंने, उसे अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ और इसे हाथों से ही मैंने क्रश किया है। आप चाहे तो ग्राइंडर में डाल के थोड़े से देर के लिए ग्राइंड कर सकते हो, पीस सकते हो। अब इसमें मैं ये जो प्याज है अपने फ्राई क्रश वाले, ये इसमें ऐड करूँगी। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तकरीबन हमारा कोरमा रेडी होने पर है। अब इसमें हम बादाम और काजू का पेस्ट मिला देंगे और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करेंगे।
अब इसे कवर करना है और बहुत लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के रख देना है। ये कोरमा हमारा ऑलमोस्ट एकदम तैयार हो चुका है। इसमें मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी, आप अपने हिसाब से मिलाइए। अब इसे मिक्स करेंगे और ये जावित्री है 1 पीस, मैंने इसमें मसल के डाल दी हूँ और ये जायफल पाउडर है 1/2 चम्मच इसमें ऐड करी हूँ मैंने और इसे आराम से मिक्स करेंगे। अब इसमें केवड़ा एसेंस हम ऐड करेंगे, आप चाहे तो केवड़ा वाटर भी डाल सकते हो 1 चम्मच, या आपकी मर्ज़ी आप दही भी डाल सकते हो अगर आपको ये फ्लेवर पसंद ना हो, लेकिन केवड़ा कोरमे में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब इसे हम बंद कर देंगे, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और ढक के उसे रख दी हूँ। यहाँ हम तड़का तैयार करेंगे, इसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाली हूँ। अब घी गर्म होने के बाद ज़ीरा, शाहजीरा और काली किशमिश मैं इसमें मिला दूँगी और थोड़ा सा ये लाल हो जाए तो हम तड़के को कोरमे में ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मेरा कोरमा तैयार है, देखिए कितना अच्छा इसका कलर है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा ये कोरमा रेडी है। आप लोग ट्राई करिए और इसका कमेंट मुझे दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।